नमस्कार दोस्तों, भारतीय रेल नए साल पर सभी रेल यात्रियों को बड़ी खुशखबरी देने जा रहा है। जी हाँ, इन राज्यों के रेल यात्रियों को बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि भारतीय रेल लगातार यात्री सुविधाओं पर काम काफी तेजी से करता आ रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नए साल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कौन सा तोहफा देने जा रहा है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी जानने के लिए आप लोग इस वीडियो में पूरे एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को घोषणा करते हुए कहा कि अगस्त 2023 तक देश के 75 शहरों को सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत से जोड़ा जाएगा। अब तक देश में 5 रूटों पर वंदे भारत ट्रेन शुरू की जा चुकी है। अब रेलवे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को नए रूट पर शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है। देश की 6वीं वंदे भारत ट्रेन सिकंदराबाद तेलंगाना और जियावारा आंध्र प्रदेश रेलवे स्टेशन के बीच चलने जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार सिकंदराबाद और जियावारा के बीच चलने वाली वंदे भारत को नए साल में लॉन्च किया जाएगा। हालांकि अभी तारीख की घोषणा नहीं की गई है। ट्रैक के अपग्रेडेशन का काम पूरा होने के बाद रेलवे आधिकारिक तारीख का घोषणा कर सकती है। इस ट्रेन के शुरू होने के साथ ही वंदे भारत को दक्षिण भारत की दूसरे रूट पर शुरू कर दिया जाएगा। दक्षिण भारत में पहली वंदे भारत नवंबर में चेन्नई और मैसूर के बीच लॉन्च की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस रूट के लिए हरी झंडी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिकंदराबाद जियावारा ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। तो दोस्तों, नए साल पर रेल मंत्री बहुत ही बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं सभी रेल यात्रियों को। आज की इस वीडियो में इसी अपडेट को लेकर जानकारी देनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।